अपने सारगर्भित उद्बोधन के लिए वेब्स की तरफ से हम लोग आभार प्रकट करते हैं। आपने इंगित किया है हमारी भारतीय परंपरा, वैदिक परंपरा कैसे रही भारतीय परंपरा और वेदाध्ययन जो पद्धति रही है प्राचीन काल में, और वो प्राचीन परंपरा आज तक भी अबाध गति से प्रवाहित होती आ रही है। सर, आपने जो संकेत किया है वेद का अध्ययन, जब हम लोग उदात अनुदात और स्वरित की बात आपने कही है, अगर उदात अनुदात स्वरित उसमें से मुख्य हम लोग देखते हैं उदात स्वर कहाँ होता है, अगर हमने इसको पकड़ लिया इस मंत्र में इस पद में यह उदात है तो आपका मुख्य अर्थ उसी उदात से ही निकलता है। लेकिन उदात स्वर अगर हमने एक बार पहचान लिया तो आगे कोई दिक्कत उसमें नहीं होती, लेकिन उदात स्वर पहचानना इतना सरल नहीं है। जब तक हम शब्द प्रक्रिया व्युत्पत्ति को नहीं देखेंगे, उसमें मुख्यार्थ क्या है, उसी हिसाब से स्वर विवेचन बहुत उत्तम ढंग से किया गया है। उदात और अनुदात और स्वरित की बात करते हैं, और आचार्य पाणिनि की देखते हैं, अगर पाणिनि को देखें पूरी की पूरी स्वर विवेचन अष्टाध्यायी में संपूर्ण रूप से उत्तम ढंग से किया है, और केवल उनसे पहले अगर देखेंगे तो हमारे जो प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं उन प्रातिशाख्य ग्रंथों में भी स्वर विवेचन समुचित ढंग से किया गया है। आपने ध्यान आकर्षित किया है हमारी जो शिक्षा पद्धति है, मैकली ने जो काम किया था उसके बाद आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, हाँ जरूर हम इसमें स्वीकार करते हैं, तो इसका अध्ययन और सुचारू रूप से होना चाहिए। तो आपने और जो भारतीय विद्या भवन का कार्य है, जो आपने देखा आज का जो हमारा विषय रहा है भारतीय कलाओं का वैदिक परिप्रेक्ष्य, इन्हें कई बिंदुओं को टच करते हुए आपने बहुत अमूल्य पुस्तकों का प्रकाशन किया है, वो हमारे लिए हमारे शोधार्थियों के लिए बहुत लाभकारक किताबें होंगी। तो सर, आप बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं वेब्स की तरफ से और भारतीय विद्या परियोजना की तरफ से। और इस उद्घाटन सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जो विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिनके सहयोग से हमने नेपाल में भी एक वेब्स का कॉन्फ्रेंस आयोजन किया था, और अभी हाल में अगस्त 2018 में वेब्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था डलास में, और आप भी वहाँ पर उद्घाटन सत्र में आपका व्याख्यान हम लोगों ने सुना था। हमेशा वेद के अध्ययन एवं अध्यापन के लिए रत हैं और दार्शनिक हैं डॉक्टर संगीता शास्त्री अर्जुन प्रसाद बस्तोला जी, जो नेपाल से आए हुए हैं। सर, आपसे निवेदन है कृपया अपने उद्बोधन से हमें अप्लावित करें डॉक्टर संगीता शास्त्री जी। वंदे विद्यातीर्थ महेश्वर ओम सद्विप्रासो विपन्नवो जाग्रीवासं समिन्धते विष्णुरेता परमं पदम ओम शांति शांति शांति। सभाभ्यो नमः, सभापतिभ्यो नमः। सर्वप्रथम तो मैं इसको धन्यवाद देता हूँ सचिव जी को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित करके अनुग्रहित किया, और हमारे जो सारे वेदों का जो 28 व्यास हुई है उसमें से अंतिम व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास नेपाल में हुए थे। 28 व्यास हुए हैं जिसमें से कृष्ण द्वैपायन व्यास जो अंतिम व्यास थे वो नेपाल में हुए थे, और नेपाल में श्रुति परंपरा से वेद को आगे बढ़ाने की परंपरा आज भी कायम है। और वेद जो है, मैं विदेशों में जब बोलता हूँ मैं बोलता हूँ वेद कैन नॉट ट्रांसलेट, वेद कैन ट्रांसफॉर्म ओनली। एक गुरु के द्वारा एक शिष्य में स्थापित की जा सकती है, पढ़ाया नहीं जा सकता है, ये वेद की विशेषता है, क्योंकि अपुरुष्य है इसे नहीं किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर ये भारतीय कलाओं का वैदिक परिप्रेक्ष्य यहाँ आया है, तो सर्वप्रथम जो वैदिक कला विकसित हुई थी वो कृषि कला थी। वो इतनी
सुंदर कला थी, कृषि कला, जिससे पहले समाज का जो स्थिति था, ये पशु पंछी की तरह हम लोग भी सुबह अपना खाना ढूंढने के लिए जाते थे, दिन भर जो मिला खाया और रात को सोए, दूसरे दिन वही क्रिया थी। तो हमारे भगवान नारायण के 24 अवतार में से 8वें अवतार ऋषभ देव ने कृषि कला का विकास किया। किस ऋतु में किसको लगाना है, कैसा करना है, उसकी कैसी किस तरह उसका फसल लेना है, ये कला। इसमें आज लोप हैं, 64 जो संहिताएं थी उसमें से 5 संहिता कृषि की थी, जो आज पूर्ण रूप से लुप्त है, नहीं प्राप्त नहीं है कृषि की जो संहिता थी। और वो कृषि कला जो थी, उसी कला के चलते ये मानव समाज का विकास हुआ, क्योंकि उसके साथ साथ जुड़ के पाक कला आया, कृषि कला के साथ जोड़ के आ गया पाक कला। वो कला जो थी वैदिक काल की प्रथम उपलब्धि बोले तो आप उसको कृषि कला को ले सकते हैं। वो बहुत ही सुंदर कला थी। इसमें जैसे वेद को श्रुति परंपरा से आगे बढ़ाया गया, उसमें प्रैक्टिकली उसे आगे बढ़ाया गया, कृषि कला को एक दूसरे को सिखाते सिखाते, ऐसे करो ऐसे करो, इस सीजन में इस बीज को लगाओ, इसको ऐसे करो, इस तरह से प्रैक्टिकल सिखा के उस कला को आगे बढ़ाया गया। आज जो है हम जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में मानव समाज है, उसमें कृषि कला का सबसे बड़ा देन है। इसकी शुरुआत जो है हमारे 24 अवतार में से भगवान ऋषभदेव ने किया। इस कला से मनुष्य मात्र का बहुत बड़ा उद्धार हुआ। इसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ। आज से 5 महीना पहले नेपाल में मेरे पास में 22 प्रोफेसरों की एक टीम आई, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, यहाँ से लोग थे। उनको किसी नासा के वैज्ञानिक ने बताया था, वो नासा के कई मेरे भी वहाँ पर प्रवचन हो चुके हैं, तो उन्होंने बताया था कि इसके बारे में संहिता शास्त्री बता सकता, संहिता शास्त्री के पास जाओ। तो लोग मेरे पास आए। उनका प्रश्न मेन क्या था कि आज जो 800 बिलियन के आसपास जो पॉपुलेशन है, ये होने का कोई वैदिक कारण है, कैसे हुआ ये? तो मैंने बताया, क्योंकि मुझे तो संहिता शास्त्रियों में तो जानता हूँ कि अभी बताया ना आपको, ऋषभदेव जी ने कैसे हम लोग को कृषि कार्य में लगाया। उससे पहले हम भी पशु पंछी की तरह ही थे, कृषि कार्य में आने के बाद हम लोग सक्षम हो गए, हम अपना 1-2 साल का खाना अपने घर में रख के दूसरा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कृषि से ही संभव है। और ये कृषि का जो ज्ञान है, ये वैदिक ज्ञान है और पूरा विश्व में भारत से गया है, इसको भी मान लीजिए आप। क्योंकि जो वैदिक कला का, जहाँ यहाँ वैदिक कला वेद और परिप्रेक्ष्य जब बताया गया, तो ये सबसे मूल कला है, ये कृषि कला। इस कला को भगवान ऋषभदेव ने आगे बढ़ाया। इससे क्या हुआ कि हम लोग, हमको लिबर्टी फ्रॉम हंगर, भूख से आज़ादी मिली हमको कृषि कला से। और इसी तरह से भगवान नारायण के 24 अवतार में से 12 अवतार के रूप में धन्वंतरी आए। धन्वंतरी ने चिकित्सा कला का विकास किया, बहुत सुंदर कला, कई प्रकार की चिकित्सा विधियां स्थापित करके चिकित्सा कला का विकास किया, जिससे मानव समाज जो है ये लिबर्टी फ्रॉम डिजीज, रोगों से उन्मुक्ति मिली और मानव समाज विकास होते चला गया। इस तरह से जो है, नहीं तो ये मानव समाज पृथ्वी में जो अभी जो बोल रहे हैं कि 7 अरब 8 अरब जनसंख्या हो गई, ये दोनों ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हमारे वैदिक जगत ने इनको भगवान के अवतार के रूप में स्थापित करके पूजित किया। आज हम ऋषभदेव के बारे में भी कुछ नहीं जानते, धन्वंतरी के बारे में भी बहुत कम हम लोगों के ज्ञान, क्योंकि आज जो है पश्चिमी चिकित्सा पद्धति के पीछे हम भाग रहे हैं, हमारे पास में कोई खास ज्ञान नहीं है। धन्वंतरी ने क्या किया, धन्वंतरी की संहिताएं हैं, अश्विनी कुमार जो
देवताओं के वैद्य थे, उनकी संहिताएं हैं, उनके बारे में हमारे पास में कोई ज्ञान नहीं है। आज जो है सिर्फ अश्विनी कुमार संहिता का एक छोटा सा ग्रंथ उपलब्ध है, इसे वैसर्ग्य रत्नावली कहा जाता है, जिससे दवाइयां बनती हैं, कैसे बनाना बोल के सिखाया गया है। तो ये सब कला जो है हमारे वेद में जो कलाएं हैं, वो 22 प्रोफेसर का जो टीम मेरे साथ में 5 दिन तक नेपाल में रहा, और उनका जो मेन समस्या था उसके ऊपर में वो लोग आए थे। तो उन्होंने बोला कि मिस्टर बास्टोला, हमारे यहाँ जो है ये पॉपुलेशन बहुत स्पीडली नेगेटिव जा रही है, मतलब कि वहाँ के लोगों में ये प्रजनन क्षमता ही ह्रास हो रहा है, और उनकी जनसंख्या जो है धीरे धीरे घट रही है इन देशों में। तो इसका कुछ कारण है, आप जानते हैं क्या इसका? बोले तो मैं, मेरे पास तो सीधा सा जवाब था, हमारे श्रीमद् भागवत में कहा जीवो जीवस्य जीवना। तो आज जो है पश्चिमी जगत लेकर के भारत भी उस रोग से पीड़ित होना शुरू हो गया, ये जो है फ्रोजन फूड्स। फ्रोजन फूड्स क्या होता है कि उसको अंदर रख देते उसमें ऑक्सीजन मर जाता है, वो मर जाता है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में मरे हुए चीज को या दफनाने का या जलाने का प्रचलन है, खाने का प्रचलन नहीं। अब आप जो है ये फ्रोजन फूड को आप 2 घंटा बाहर निकाल के रख दो, 3 घंटा उसमें डिकम्पोज होना सड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मरा हुआ है, उसमें जीवन नहीं है। जीवन चाहिए ना, जीवो जीवस से जीवना। हम अनाज खाते हैं उसका बीज अंकुर जीवित रहता है, हम फल खाते हैं उसका सेल जीवित रहता है, हम हरी सब्जियां खाते हैं उसका सेल जीवित रहता है। तो वही जीवन को काम देगा, मरा हुआ चीज जो है हमारे वैदिक संस्कृति में वो निषेधित है, उसको जलाना या दफनाना, उसे खाना नहीं है। तो आज जो है पश्चिमी जगत पूरा जो है ये फ्रोजन फूड्स में चला गया, जिससे कई प्रकार की बीमारियां और प्रजनन क्षमता भी उससे उनकी खत्म होती जा रही है। इसे हमें जो है हमारा जो हमारी जो कला थी उस समय की, इस कला वैदिक कला जो थी उसमें प्रथम कला के रूप में हम कृषि कला को ले सकते हैं। वो बहुत ही सुंदर कला थी, पूरा विश्व उसी से व्याप्त है। आज जो भारत से जाकर के विश्वव्यापी हुई जो कला, वो कृषि कला है। इस तरह से फिर हमारे संहिता शास्त्र में एक थोड़ी सी अच्छी बात भी बताई गई है। संहिता शास्त्र में कलयुग की जब व्याख्या की गई है तो उसमें बताया गया कि पहले कलियुग, कली बोले तो जैसे फूल की कली की तरह ज्ञान और विद्या का विकास होगा, और दूसरे चरण में कलयुग के दूसरे चरण में कला युग होगा, पूरा विश्व जो है कलाकृति बनाएगा, राजा प्रजा सभी उसी में लग जाएंगे, वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा एलोरा अजंता या आपके सारे जो है ना मचू पिचू मिस्र की पिरामिड सब कलाकृतियां हैं, कलाकृति में लोग उसमें चले गए। दूसरे चरण में कलायुग के, तीसरे चरण में कलायुग के बाद में कलयुग आया, कल बोले तो कल कारखाना मशीन एज, इस तरह से उसका विकास हुआ। और चौथे चरण में कलयुग में कलायुग बताया गया, प्रथम विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के चलते चलते अभी जो है ऐसे कला व्याप्त हो गया कि घर घर में कला, पति पत्नी में, बहु बेटी में, सब में कला, और जो परिवार जो संयुक्त परिवार थे ना, ये कला के कारण ऐसे टूट गए हैं, क्योंकि युग का प्रभाव है, वो आपके हमारे रोकने से नहीं रुकेगा, युग का प्रभाव है, सारा टूट रहा है, क्यों? कला है। आज 2 आदमी के बीच में कला होने के लिए 1 सेकंड का भी जरूरत है, तत्काल कला हो जाता है। और इसके बाद में ये अभी कला युग के हम चरम अवस्था में चल रहे हैं, और इसमें 5वां बताया गया है कालयुग। कालयुग आएगा तो बोलेगा एक आदमी दूसरे को मार के आत्मगौरव करेगा कि इतने बड़े आदमी को मैंने मार दिया, ये कालयुग आएगा। उसके बाद कलयुग का अंत होगा। हमारे संहिता शास्त्र में 46,000 सूर्य चंद्र ग्रहण के वैदित होने पर कलयुग समाप्त होगा बोला है। गणित के हिसाब से अब तक 44,000 सूर्य चंद्र, 44,300 करीबन सूर्य चंद्र ग्रहण मुक्त हो चुके हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कलयुग कितनी समय बाकी है। इतना कहते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओम तत्सत लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।